मुझे खुशी है और भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में भी सर्वसम्मति से लोगों ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया और पिछले 20 दिनों से जो गतिरोध पैदा हो गया था और बार बार मांग करने के बावजूद श्री तेजस्वी यादव इस्तीफा नहीं दे रहे थे और जनता दल ने एक लगातार स्टैंड लिया था कि हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के बारे में जीरो टॉलरेंस हम कोई समझौता नहीं करेंगे और मुझे खुशी है कि आज जनता दल यू उसे जीरो टॉलरेंस पर कायम रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लालू के सामने झुकने से इनकार कर दिया है, इसलिए नीतीश कुमार के इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। जिन लोगों को ये गलतफहमी थी कि कफन में भी जेब होती है, उन्हीं लोगों ने चारा घोटाले से भी कोई सबक नहीं लिया और पैसा बटोरते रहे, बेनामी संपत्ति इकट्ठा करते रहे और आज 1000 करोड़ से ज्यादा के मालिक बन बैठे। लालू जी ने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ही लिया, अपने बेटे बेटियों की भी जिंदगी उन्होंने बर्बाद कर लिया और मुझे खुशी है कि नीतीश जी ने इन सारी बातों को समझा और लगातार 3 महीने से बीजेपी जो उजागर कर रही थी उस और जदयू ने चुप्पी साध रखी थी और उन्हें कभी समर्थन नहीं किया। एक बार भी जनता दल यू ने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का बचाव नहीं किया इस मुद्दे पर और आज उन्होंने इस मुद्दे पर इस्तीफा दिया है, हम स्वागत करते हैं। और बीजेपी की ओर से 3 लोगों की कमेटी गठित की गई है, डॉक्टर प्रेम कुमार, श्री नितिन राय और मैं, और 3 लोगों की समिति पार्टी के सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में रहेगी और आगे बिहार की राजनीतिक परिस्थिति के बारे में जो दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन हम मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं है, हम चाहते हैं कि जो विधायक 5 साल के लिए चुन कर आए हैं वो अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करें और इसलिए आगे जो स्थिति बनेगी वो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के अनुसार हम काम करेंगे।